नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताएंगे कि चीन के मुखपत्र को लेकर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री नेपाल विवाद को लेकर भारत से किस तरह की बात रखी है दोस्तों, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कही अमित शाह ने, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही दोस्तों, इंडिया पोस्ट ने GDS के 4000 पदों पर भर्ती निकाली है, बताएंगे कैसे आप पा सकते हैं 10वीं पास होकर भी जॉब। और इसी तरह की दोस्तों सारी स्कीम, सारी योजनाएं भी हम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने भाई बंधु और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आगे बड़ी खबर में बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, एक दुखद खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव आई गई है और उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है दोस्तों। ऐसे में आप उनके अच्छे हेल्थ की कामना करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा उनके लिए दोस्तों। चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि चीन के मुखपत्र को लेकर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिकी अखबारों को दिए $1,900 के विज्ञापन। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, कोरोना वायरस संकट के बीच एक बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सवालों के घेरे में हैं। दरअसल चीनी सरकार के मुखपत्र चाइना डेली को लेकर एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI ने डेली कॉलर के हवाले से बताया है कि चीन के मुखपत्र ने बीते 4 सालों में विज्ञापनों के लिए लगभग $19 मिलियन का भुगतान अमेरिकी अखबारों को किया है। अमेरिकी न्याय विभाग में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल वाले अंग्रेजी अखबार चाइना डेली ने नवंबर 2016 से द वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल को $4.6 मिलियन से ज्यादा और वॉल स्ट्रीट जर्नल को लगभग $6 मिलियन का भुगतान किया है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अखबारों ने पेड सप्लीमेंट्स प्रकाशित किए हैं, जिन्हें चाइना डेली ने चाइना वॉच का नाम दिया है। ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल वास्तविक अखबार के जैसे ही डिजाइन करके किए गए हैं, हालांकि उनमें अक्सर बीजिंग समर्थित खबरें और इवेंट्स ही होते हैं। ऐसे में दोस्तों, चीन की चालाकी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल के उप प्रधानमंत्री बोले, बातचीत के जरिए सुलझाएंगे भारत से विवाद, सेना की तैनाती का सवाल ही नहीं है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों की सीमा पर सेना की तैनाती का सवाल है, सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आपको बता दें कि नेपाल ने हाल में ही देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुले, काला पानी और लिम्पिया धुरा पर दावा किया था। भारत ने इस पहल पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं करेगा और पड़ोसी देश से इस तरह से अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा। ऐसे में दोस्तों, नेपाल को उप प्रधानमंत्री का यह बयान भारत के साथ फिर से दोस्ती का पैगाम दिखाई पड़ता है। अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि उप प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है कि भारत और नेपाल के बीच सैनिक का कोई सवाल ही नहीं बैठता, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप नेपाल के अभी के प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय देना चाहेंगे, जरूर बताइएगा उनके नेचर को लेकर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अमित शाह का बड़ा हमला, कोरोना एक्सप्रेस ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर कर देगी। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात कही है अमित शाह ने। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल में पहली वर्चुअल रैली की शुरुआत में बंगाल को पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों की आत्मा को शांति मिले। शाह ने कहा कि कोरोना काल में जन संवाद का रास्ता ढूंढा है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान बीजेपी के निर्माण में अहम है। सियासत में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहती है, बीजेपी संस्कारी बंगाल बनाना चाहती है। बंगाल की जनता को PM मोदी का समर्थन है। 6 साल में गरीबों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ममता सरकार आयुष्मान योजना को बंगाल में लागू होने दे रही है।
है, गरीबों को मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल रहा। केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को स्वीकार किया लेकिन ममता सरकार ने नहीं किया। आयुष्मान योजना से देश के गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, हमारी सरकार 6 साल से समस्याओं का समाधान कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने श्रमिकों का अपमान किया है। श्रमिक ट्रेन को आपने कोरोना एक्सप्रेस कहा है लेकिन यही उन्हें राज्य से बाहर करेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह ने बिल्कुल सटीक बातें कही है ममता सरकार को, और आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार अच्छा कर रही है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा ये बात। और बंगाल में अगली बार आप किसकी सरकार देखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दे कमांडर सुलेमानी की हत्या में शामिल CIA एजेंट को ईरान देगा फांसी। जी हां दोस्तों, बड़ा आदेश है। आपको बता दे ईरान के मारे गए टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के ठिकाने के बारे में अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसी को सुराग देने वाले ईरान के नागरिक को जल्द फांसी पर लटकाया जाएगा। मंगलवार को ईरान की जुडिशियरी ने यह बात कह दी है। 3 जून को अमेरिकी ड्रोन हमले में कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अगर आप मानते हैं कि आरोपी को फांसी पर लटकाना चाहिए या नहीं, अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि चीन में अगस्त से ही फैल रहा था कोरोना वायरस, अस्पतालों में बढ़ गई थी भीड़, इंटरनेट पर लक्षणों के बारे में खोज रहे थे लोग। जी हां दोस्तों, हार्वर्ड रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, क्या चीन में कोरोना वायरस अगस्त से ही फैल रहा था और ड्रैगन इस पर पर्दा डाल रहा था? आपको बता दें, अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने हॉस्पिटलों के सैटेलाइट इमेज, ट्रैवल पैटर्न और सर्च इंजन डेटा के एनालिसिस के बाद ये दावा किया है। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है दोस्तों। रिसर्च में वुहान के हॉस्पिटलों की पार्किंग की सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया है, जहां 2019 में पहली बार ये संक्रमण फैला था। कफ, डायरिया जैसे लक्षणों के लिए इंटरनेट पर लोग अधिक सर्च करने लगे थे। रिसर्च में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में कोरोना संक्रमण की घोषणा से पहले ही हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ गई थी और लोग इस तरह के लक्षणों की वजह इंटरनेट पर तलाश रहे थे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या चाइना हार्वर्ड के इस रिसर्च को भी खारिज करके अपनी बड़ी भूल को छुपाना चाहता है? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दे जर्मनी से सैनिकों को हटाने को लेकर कोई घोषणा नहीं। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस से बयान है। आपको बता दे व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की जानी है, और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य बलों के लिए बेहतरीन रुख और विदेशों में उनकी मौजूदगी की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से कहा कि कोरोना को गंभीरता से ले, राष्ट्रीय कानून बनाए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कोरोना से उत्पन्न हालात को गंभीरता से लेने और इस महामारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अदालत ने ये हिदायत दी है। जी हां दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर स्वतः संज्ञान लेने वाली पीठ की अगुवाई करते हुए कहा कि 2 न्यायाधीशों को के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हम अदालत में भी इस महामारी की आंच को महसूस कर रहे हैं। अहमद ने कहा, हम पूरे देश में लागू होने वाला राष्ट्रीय स्तर का कानून बनाने पर जोर दे रहे हैं, इसके बावजूद कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से फेल है कोरोना के मामले में, जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि NTCA प्रदर्शनों की आड़ में होने वाला था बड़ा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, ISI ने रची थी ये बड़ी साजिश। बता दे आपको, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली थी। NTCA प्रदर्शनों के दौरान ISI की हमले की योजना थी। जी मीडिया के पास हमले की एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। इस साजिश के तहत BJP और RSS से जुड़े नेताओं पर हमले की योजना बनाई गई थी। बता दे कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा हुई। कई जगहों पर प्रदर्शन की आड़ में उत्पात मचाया गया। वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश विरोधी साजिश भी रची रही थी और इस साजिश को अंजाम देने वाला था पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दे कि पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल रैली में बोले अमित शाह,
रविंद्र संगीत की जगह बंगाल में अब बम धमाके और गोलियों की आवाज। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको कि अमित शाह ने कहा बंगाल देश का नेतृत्व करता था। कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता है देश 50 साल बाद सोचता है, लेकिन आज बंगाल को क्या हो गया। जिस बंगाल को सोनार बांग्ला कहते हैं, जहाँ रविंद्र संगीत सुनाई देती थी, वो बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज, गोलियों और हत्याओं की चीखों से सुन रह गया है। कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म संभाव के लिए बंगाल का उदाहरण दिया जाता है। आज तुष्टीकरण की अच्छी राजनीति करके किसी एक समुदाय को ही प्राथमिकता दी जा रही है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और अब TMC ने बंगाल को गरीबी में धकेल दिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है दोस्तों। ये अच्छी खबर थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण संभव नहीं है सभी सांसदों का सदन में साथ बैठ पाना, विकल्पों पर मंथन है जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच लोकसभा की मानसून सत्र अपने तय समय से शुरू होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बैठने की व्यवस्था में मुश्किलें आ रही हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समस्या का हल निकालने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या मानसून सत्र में लोकसभा सदन में सांसदों का बैठना चाहिए या नहीं, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे ने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों की डिमांड 10 जून तक दे राज्य। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 10 जून तक श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए डिमांड भेज दें। शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया अगले 15 दिन तक पूरी करे, जिसको लेकर ये पीयूष गोयल का बयान है। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में नहाते समय फिसल कर गिर पड़े, चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया उनको। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को बाथरूम में नहाते समय फिसल कर गिर गए। इससे उनकी थाई यानी सांथल की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। अनिल विज को नहाने के बाद चंडीगढ़ में किसी मीटिंग के लिए जाना था। बताया जाता है कि बाथरूम में गिरते ही मंत्री काफी देर तक बाहर ही नहीं निकल पाए। कुछ समय बाद वो किसी तरह बाहर निकले और परिजनों को सूचित किया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो जरूर बताइएगा लिखकर। चलते और बड़ी खबर की और, जहां PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए इस दुकानदार ने जो किया उसे जानकर आप करेंगे इसकी तारीफ। जी हां दोस्तों, बता दें कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू की है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी चीजों अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की है। ऐसे में महाराष्ट्र के एक दुकानदार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर ग्राहकों की पहचान के लिए स्वदेशी विदेशी सामानों को अलग कर दिया है। जी हां दोस्तों, पुणे के एक जनरल स्टोर में मालिक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए सामान पर स्वदेशी और विदेशी का लेबल लगा दिया है। स्टोर मालिक ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि हमने ये व्यवस्था शुरू की है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा ब्रांड भारतीय है और कौन सा अंतरराष्ट्रीय है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के समर्थन में उठाया गया है। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया और पूरे भारत के दुकानदारों को भी इस प्रकार से कदम उठाना चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी चीज की दुकान करते हैं दोस्तों और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है स्वदेशी और विदेशी सामानों को लेकर, तो दोस्तों अपने नाम के साथ अपने जगह का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपकी भी बात सरकार तक पहुंचे और हो सके तो मीडिया वाले आपके यहाँ भी आए। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दे बिहार विधानसभा चुनाव से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है जीतन राम मांझी। जी हां दोस्तों, तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा चल रही है। बता दे आपको, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल रैली के जरिए मतदाताओं को साधने में लगी हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली से चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार JDU कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है,
है। वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है कि बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके, भूलिएगा मत। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें ICC ने अपने खेल में किया नया बदलाव। जी हां दोस्तों, लार से गेंद चमकाने पर लगाई गई पाबंदी, गलती करने पर टीम को चुकाना होगा हर्जाना। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट कमेटी द्वारा गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सिफारिश को मानते हुए इसे लागू कर दिया है। ICC ने खेल के नियमों में बदलाव करते हुए अंतरिम फैसले में इस बात को पक्का कर दिया कि खिलाड़ियों द्वारा लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेशनल सीरीज के दौरान भी अब घरेलू अंपायर्स ही मैदान पर उतरेंगे। अगर आप मानते दोस्तों कि कोरोना वायरस की वजह से यह सही कदम लिया गया है कि लोग अब अपने लार को गेंद पर नहीं लगाएंगे, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें इंडिया पोस्ट ने GDS के 4000 से ऊपर पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, बता दें आपको 10वीं पास के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट ने आधिकारिक नोटिस निकालकर ग्रामीण डाक सेवकों यानी GDS के 4166 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बताए गए प्रारूप में समय रहते आवेदन कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग जो 10वीं पास है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें पार्ले जी के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉकडाउन के बीच तोड़ा 80 साल का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, 24 मार्च से लेकर 7 जून तक चले लॉकडाउन के बीच पार्ले जी बिस्किट ने अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक का सबसे अच्छा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। 1938 से देश में बिक रहे पार्ले जी ने पिछले 3 महीने में नया कीर्तिमान जड़ दिया। जी हां दोस्तों, पार्ले जी वैसे भी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। हालांकि पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी ने यह नहीं बताया कि कुल कितनी बिक्री बढ़ी है, लेकिन कहा कि कुल मार्केट शेयर में 5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहा कि 80-90% की ये ग्रोथ केवल पार्ले जी की बिक्री से आई है। कंपनी के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि ये अविश्वसनीय लग रहा था और ये पॉसिबल हो पाया है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग जो जिन्होंने पार्ले जी बिस्कुट को खाया हुआ है दोस्तों, जरूर बताइएगा और आज भी खा रहे हैं। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें गाड़ी वाहनों धारकों के लिए बड़ी राहत है। ड्राइविंग लाइसेंस RC परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। जी हां दोस्तों, बता दें आपको अगर आप लोगों के पास कोई भी गाड़ी या बाइक है, आपको बता दें दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है ये कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस RC परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काट सकेगी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार फिर बढ़ाने की घोषणा की है। मंगलवार को इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी भी लोगों की कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसका अगर वैलिडिटी खत्म हो गया है तो दोस्तों आप लोगों का चालान नहीं कटेगा 30 सितंबर तक। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट लॉकडाउन के बीच में एक्सपायर हो गया है, जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें लगेगा कि आपके लिए खबर बहुत जरूरी थी। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।